नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 20 नवंबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति एवं भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने के विरुद्ध एसीबी ने 3 विभिन्न अधिकारियों की सूचना एकत्र कर 3 प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके 10 ठिकानों पर औचक तलाशी शुरू की है। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी मुख्यालय की इंटेलिजेंस शाखा उदयपुर व कोटा इकाई द्वारा 3 विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति भ्रष्ट साधनों से अर्जित करने की सूचना मिलने पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर तलाशी वारंट प्राप्त कर उनके विभिन्न ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें अधीक्षक अभियंता AVVNL उदयपुर के गिरीश कुमार जोशी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति केशवराय पाटन, जिला बूंदी के चिरंजी लाल, सीनियर DGM सिविल रिको जयपुर के सतीश कुमार गुप्ता के ठिकानों पर की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोएडा के कोट गांव से मैसर्स गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड के 6 और निदेशकों को लगभग 42,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 6 कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा, दिल्ली और देश के कई अन्य राज्यों में कई मामले दर्ज किए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त EOW ने OP मिश्रा ने कहा कि आरोपी अपने पीड़ितों को एक बाइक में 62,000 रुपये का निवेश करने और 9,500 रुपये प्रति माह पाने के लिए प्रेरित करते थे। इस आकर्षक प्रस्ताव के कारण कई पीड़ितों ने अपनी मेहनत से निवेश किया और पोंजी स्कीम में पैसा लगाया। श्रीगंगानगर के सदर पुलिस थाना में मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में कॉलोनाइजर व उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि श्री रेजिडेंसी के डेवलपर्स रमन बिहानी और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। इससे पहले जवाहरनगर थाना पुलिस भी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। श्रीगंगानगर में मजदूरों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में भी घोटाले का मामला पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से किया गया था। इस मामले में आज लेबर कोर्ट पर ACB के अधिकारियों ने छापा मारा और वहां पर कुछ रिकॉर्ड की जांच व उसको कब्जे में लेने की कार्रवाई को पूर्ण किया। बता दें कि ACB ने 2 दिन पूर्व सूरतगढ़ से एक इमित्रा संचालक व उसके कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पूछताछ के बाद पुरानी आबादी इलाके से भी 2 इमित्रा संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। CBSE 10वीं और 12वीं परीक्षा के टाइम टेबल और प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। जनवरी और फरवरी में प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। देश में कोरोना संक्रमण के चलते सालाना परीक्षाएं फरवरी, मार्च अथवा अप्रैल में शुरू करवाई जा सकती हैं। CBSE के अजमेर, नई दिल्ली, प्रयागराज, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, देहरादून, पंचकूला, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, भोपाल, नोएडा, पुणे एवं दिल्ली वेस्ट रीजन में 10वीं और 12वीं के करीब 33 लाख नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थी 2021 की परीक्षा देंगे। इनके ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म LOC भरने जारी है। विद्यार्थियों को जनवरी अंत या फरवरी में प्रायोगिक परीक्षाएं करनी होंगी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में एक लिंक रोड पर छाड़ियों में एक नवजात का शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर उसको अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया है। पुलिस ने बताया कि शिवपुरी की तरफ जाने वाली लिंक रोड पर एक नवजात बालक का शव मिला है। बालक के शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंच गया और शव को मोर्चे में रखवाया गया है। पाली जिले के बयावर पिंडवाड़ा फोरलेन पर बसिया तिराहे के पास हुए हादसे से विवाह के घर में मातम छा गया। कार की चपेट में आने से बाइक सवार बेवा मां शांति देवी की मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया, जबकि मृतका का छोटा भाई घायल हो गया। मृतका के 2 बेटों का 5 दिन बाद विवाह है, जिसकी कार बांटने वह अपने छोटे भाई हनुमान राम मेघवाल के साथ बाइक पर निकली थी। बेटों की शादी को लेकर शांति देवी खुश थी। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर जैतसर मार्ग के 32 ML तक पुनर्निर्माण और चौड़ाईकरण करने की मांग को लेकर किसानों की ओर से आज धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रेव के अधिकारियों को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाप्ता भी लगाया गया था। बांसवाड़ा जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में खानपुरा गांव में 4 बच्चों की मां ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान संतोष के रूप में हुई है। उसने जहर खाने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है।
जोधपुर के प्रताप नगर थाना इलाके में रहने वाली एक किशोरी का यौन शोषण करने का मामला दर्ज किया गया है। किशोरी से पहली बार जनवरी माह में आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। इसके बाद लगातार यौन शोषण किया गया। प्रताप नगर पुलिस थाना में पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री को जनवरी महीने में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। बाद में उसको बदनाम करने की धमकियां देकर उसका देह शोषण और आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। श्री गंगानगर जिला अस्पताल में कोरोना रोगियों को बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य आरंभ हो गया है। एक स्पेशल टीम की ओर से यह कार्य आरंभ किया गया है। पीएमओ डॉक्टर के एस कामरा ने बताया कि हाई फ्लो ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट पूर्व में ही लगा दिया गया था। वहीं जिला अस्पताल का एक और डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले श्री कामरा अपनी पूरी फैमिली से कोरोना से संक्रमित हो गए थे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निजी स्कूलों की ओर से स्कूल में अध्ययनरत परीक्षार्थियों से बोर्ड परीक्षा 2021 के परीक्षा आवेदन पत्रों भरने के लिए राशि देने के लिए बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में बोर्ड के निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए आदेश दिए हैं। गृह सचिव एलन मीना ने सभी जिला कलेक्टर्स को धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अधिकाधिक लोगों को जागरूक करने का अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। लोगों को बिना मास्क के घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए प्रेरित करने के लिए भी कहा गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.